तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, जैसा आपने इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि अंकल ऑडी ने आकर ऐसा दिखाया कि वो ब्रे वाइट का साथ देने वाले हैं, लेकिन उल्टा उन्होंने ब्रे वाइट को ही सिस्टर एबिगेल दे दिया। पर इससे ज्यादा फैंस को ये जानना है कि आखिर अंकल ऑडी है कौन। तो शायद WWE फैंस ने क्रैक कर लिया है कि अंकल ऑडी के मास्क के पीछे कौन से सुपरस्टार हैं, और इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ने दो मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, और इसके साथ आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए, जो कि नया साल का फर्स्ट मंडे नाइट रॉ है, उसके लिए भी WWE ने मैच अनाउंस कर दिया है। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो अगले हफ्ते जो साल 2023 का फर्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने जा रहा है, उसके लिए WWE ने कंफर्म कर दिया है कि द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर और उनके पुराने दोस्त केल्टिक वॉरियर यानी कि शेमस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस द उसोस से फाइट करेंगे टैग टीम टाइटल्स मैच में। वैसे आप लोग इस मैच में किसकी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, टीम ड्रू मैकइंटायर और शेमस या फिर टीम ब्लडलाइन को, कमेंट करें, सबसे शेयर करें। और WWE ने इसके साथ ये भी अनाउंस कर दिया है कि टॉप डॉलर वर्सेस रिकोशे होगा, और इन दोनों में से जो भी जीता वो साल 2023 के रॉ रंबल मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वैसे अभी तक 30 मेंस रॉ रंबल मैच के लिए सिर्फ कोफी किंगस्टन ने उनका नाम कंफर्म किया है। तो जैसा आपने इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि ब्रे वाइट आकर कैमरामैन से माफी मांग रहे थे, जिस कैमरामैन पे ब्रे वाइट ने अटैक कर दिया था, लेकिन LA नाइट ने आकर ये बोला कि ब्रे वाइट ये सब नाटक कर रहे हैं और अंकल हाउडी बल्कि ब्रे वाइट ही है, और जो पिछले हफ्ते अंकल हाउडी आए थे वो कोई सस्ते एक्टर थे जिसे ब्रे वाइट ने हायर किया था। इसलिए LA नाइट ने चैलेंज कर दिया ब्रे वाइट को सिंगल्स मैच के लिए, और ब्रे वाइट ने LA नाइट से ये बोला कि LA नाइट ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब रॉयल रंबल पेपरव्यू में ब्रे वाइट LA नाइट और फैंस को ये दिखाएंगे कि वो चाहे तो बहुत खतरनाक बन सकते हैं। और ब्रे वाइट और LA नाइट का मैच WWE ने रॉयल रंबल 2023 के लिए कंफर्म कर दिया है, और इन दोनों का मैच एक पिच ब्लैक मैच है, यानी कि इन दोनों के मैच के दौरान काफी अंधेरा होने वाला है। और इस चैलेंज के बाद अंकल हाउडी की एंट्री फिर से हुई, और अंकल हाउडी आकर ब्रे वाइट के साथ खड़े हो गए, और फैंस को भी ऐसा लग रहा था कि अंकल हाउडी LA नाइट पे अटैक करेंगे, पर अंकल हाउडी ने उल्टा ब्रे वाइट पे अटैक करके उन्हें सिस्टर एबिगेल दे दिया। और अब फैंस ने ट्विटर पर एक रिंग ऑफ ऑनर के सुपरस्टार जिनका नाम विंसेंट है, उनसे अंकल हाउडी को कंपेयर करते हुए ये बोला है कि अंकल हाउडी और कोई नहीं बल्कि विंसेंट ही है, और विंसेंट की फोटो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, और ये देखकर भी ऐसा लग रहा है कि ये शायद अंकल हाउडी हो सकते हैं। वैसे इस बात की कंफर्मेशन WWE ने अभी तक नहीं की है, और वो करेंगे भी नहीं जब तक वो खुद से रिवील नहीं करना चाहे कि अंकल हाउडी कौन है। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है कि अंकल हाउडी के मास्क के पीछे कौन से सुपरस्टार हो सकते हैं। तो WWE ने नए साल के मंडे नाइट रॉ के लिए दो चैंपियनशिप के मैचेस पहले से ही कंफर्म कर दिए हैं। तो एलेक्सा ब्लिस रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर के साथ फाइट करेंगी रॉ वुमेन्स टाइटल मैच में, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी नंबर वन कंटेंडर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ फाइट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के मैच में। और WWE ने 13 जनवरी 2023 के लिए, और जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 13 जनवरी 2023 को होगा, WWE ने उसके लिए अनाउंस कर दिया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर उनकी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन से। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।